तो आज मैं आया हुआ हूँ राजस्थान। राजस्थान में एक शूटिंग लोकेशन है, इसका नाम है मल्हार मेंशन। You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग झकास मनोरंजन। सो आज मैं आया हुआ हूँ राजस्थान। राजस्थान में एक शूटिंग लोकेशन है, इसका नाम है मल्हार मेंशन। यहाँ पे एक शूटिंग चल रही है, तो इस शूटिंग पे आया हुआ हूँ मैं, और आपको अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ का लोकेशन कितना बेस्ट है, और आप लोग को भी मज़ा आएगा देख के। सो आप लोग भी कभी आना चाहेंगे तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये शूटिंग लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और ये लोकेशन सबसे बेस्ट है। मैं आपको दिखाऊँगा इसके रूम्स और इस जो मल्हार जो बिल्डिंग है इसके अंदर की जो लोकेशंस है, जो रूम्स हैं, और क्या नक्काशी किया हुआ है और क्या डेकोरेशन किया हुआ है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में, और वीडियो के एंड में आपके साथ में एक रियलिटी रिवील करूंगा जो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा और सुन के सोचेंगे कि ऐसा भी है क्या। तो चलिए आपके साथ में चलते हैं हम लोग। तो मैं अकेला नहीं हूँ, पापा हैं साथ में मेरे। पापा आइए। तो पापा के साथ में आया हूँ मैं, देखते हैं कि क्या क्या न्यू न्यू अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, क्या क्या मस्त लोकेशन है यहाँ का सबसे। आइए पापा, देखते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ शूट कहाँ चल रहा है। एग्जैक्ट शूट चल रहा है यहाँ पर, स्टिल फोटोशूट चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बैक में स्टिल फोटोशूट चल रहा है। अभी शूट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में शूट स्टार्ट हो जाएगा। और ये व्लॉग देख रहे कि आपको बहुत मज़ा आएगा, आप सोचेंगे कि इस लोकेशन पे काश मैं भी शूट करूं। काफ़ी मेरे पापा जो है लोकेशन देते रहते हैं शूट्स के लिए, तो उसी में से एक लोकेशन है, और ये राजस्थान का मेरे ख्याल से बेस्ट लोकेशन लग रहा है मेरे को। आप देख सकते हैं, आप वो वहाँ पर सेटअप लग रहा है, बिहाइंड द सीन देख सकते हैं आप लोग। तो स्टार्ट होगा वहाँ पर थोड़ी देर के बाद में, और फिर आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि अंदर में कितनी अच्छी अच्छी रूम्स हैं और क्या क्या अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं, वो अभी रिवील करते हैं आपको।
ये यहाँ का जो हॉल है, ये हॉल में आपको बेस्ट बेस्ट चीज़ें दिखेंगी आपको, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये लोकेशन देख रहे हैं बैक में, कितनी अच्छी अच्छी फ्रेमिंग की गई है और पेंटिंग्स लगी हुई है यहाँ पर। यहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसा फील हुआ कि कहीं पे आप राजा रजवाड़ों के महल में आए हुए हैं। इतना बेस्ट लोकेशन है ये, ऐसे लगेगा कि जैसे पहले के टाइम में राजा लोग होते थे, रतन सिंह राजस्थान में बहुत बड़े बड़े जो राजा लोग रहते थे वो ऐसे महल में रहा करते थे, ऐसा आपको फील होगा यहाँ पे आके। तो यहाँ पे इसी के लिए शूट रखा गया है क्योंकि बेस्ट लोकेशन है, तो यहाँ पे ये शूट हो रहा है क्योंकि लोकेशन वाइज इसका जो वाइब है बहुत ही डिसेंट आ रहा है और राजा टाइप आ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पर। ये हॉल आप देखिए कैसे कैसे जो मॉन्यूमेंट्स मूर्ति रखे हुए हैं, और भी आपको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, मतलब आपको ऐसा फील होगा यहाँ पे आके कि मैं पहले के टाइम में ही राजा लोग जब थे तो उस टाइम में ही आपको ऐसा फील होगा उस टाइप से बनाया गया है, क्योंकि वो टाइम तो चला गया जब राजा लोग तो अब रहे नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होगा ये सारे कुछ देख के, क्योंकि ये री इन्वेंट और रिक्रिएटेड किया गया है उसी थीम के ऊपर, राजा लोग की थीम के ऊपर में, और ऊपर भी बहुत सारी चीज़ आई बाबा देखते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आइए आइए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पापा पापा जो हैं अधिकतर बड़े बड़े जो भी यूट्यूबर्स शूट करते हैं अच्छे अच्छे लोकेशन पे, आप लोग देखते होंगे, एंजॉय करते हैं उन लोगों को देख के अच्छे अच्छे लोकेशंस को, तो आप लोग सोचते होंगे ये लोकेशंस क्या है, तो उसके पीछे की भी कहानी है, वो लोकेशन ढूंढा जाता है और वो लोकेशन लाते हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई यहाँ पे, ये मॉन्यूमेंट्स, बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आप राजा के घर में ही घूम रहे हैं, जो पहले राजा लोग तो अब रहे नहीं लेकिन फिर भी उनके याद में ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे री इन्वेंट किया गया है क्रिएटिव आइडिया के साथ में। जो पहले थी चीज़ें वो तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उसी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए ये क्रिएट किया गया है ताकि आप लोग अगर घूमने के लिए जाते हैं ऐसे लोकेशन पे तो आपको वो वाइब आए, वो फील आए, मज़ा आया आपको, उसी टाइप से ये। और इसके बेडरूम्स भी दिखाता हूँ आपको, कितने इनोवेटिव बेडरूम्स हैं, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो बेड लगे हुए हैं लग रहा है ना बिल्कुल एंटिक, सारे एंटिक है ये, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ बनावटी है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। ये बेड देख रहे हैं आप, ये बेड बिल्कुल उसी टाइम को आपको फील कराएगा अगर आप इस पर सोते हैं तो। ये बेड मुझे लगता है कि आपको कहीं अभी लग्जरी जगह पे मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं लेकिन फिर भी आप उसमें नहीं रहते हैं और यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको ये अलग ही एक सुकून देगा, अलग ही फील देगा, एक मज़ा आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसी राजा लोग के टाइम में ही अभी आया हुआ हूँ और उनसे मिलने के लिए आया हूँ, ऐसा आपको फील होगा। ये बेड है, ये देख सकते हैं पोस्टर्स, जितने भी पेंटिंग्स हैं ये सारे क्रिएटिव पेंटिंग्स, ये देख रहे हैं आप, ये सारे राजस्थानी क्रिएशन पे बनाया गया है इसको। ये देखिए पेंटिंग्स, और यहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ से एक और यूनिक चीज़ है यहाँ पर, यहाँ पे जो नीचे मैंने आपको बताया था शूट चल रहा है नीचे में, तो ये हट है सामने, ये बिल्कुल हट झोपड़ी जैसे, आप लोग अब तो झोपड़ी देखने को मिलता नहीं है लेकिन फिर भी ये झोपड़ी क्रिएट किया गया है, इस झोपड़ी के ऊपर में पत्ते जितने भी गिरे हुए देख रहे हैं ये क्रिएट किया है, क्रिएटिव है ये, बहुत क्रिएटिव है, आपको फील आएगा क्योंकि यहाँ पे शहर में लोग गांव में अपने जा नहीं पाते हैं और वो सारी चीज़ें अब चली गई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह पर जैसे मैंने बताया राजस्थान में अभी हम लोग हैं तो राजस्थान के हिसाब से आप ये लोकेशन पे आते हैं तो आपको हट वाली फील, बहुत अच्छा लोकेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव, मज़ा है, लग्जरी है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल एंटिक चीज़ें लगी हुई हैं, एंटिक, मज़ा आएगा आप देखिए। और पापा से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, पापा से तो मिल ही रखे हैं आप, तो पापा से पूछते हैं कि कौन कौन से बड़े बड़े यूट्यूबर्स का अपने उन्होंने काम किया है, तो पापा आप बताइए ज़रा कि ऐसे ऐसे लोकेशंस कितने हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोकेशन है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, बहुत सारे लोकेशन बिहार में है, गाजियाबाद एक्सटेंशन में भी काफ़ी सारे हैं। और कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपने आपने काम किया है लोकेशन, उन लोगों को बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनके बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जैसे टाइम लाइनर हो गया, अमित भराना हो गए, बिल्कुल ऑल राइट हो गया, ये बेनीवाल हो गया, हर्ष बेनीवाल हो गया, और आपको ये आस्किन है, नजर बट्टू है, आस्किन है, जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया और सभी लोगों को लोकेशन देता रहता हूँ। जो आप जितने भी अभी रिसेंट में अभी अमित भराना का एक वीडियो आया था बहुत ट्रेंडिंग में था,
और उनके अधिकतर जो आप वीडियो अमित पटाना के देखते होंगे उसमें पापा ने ही वो लोकेशन शेयर किया है, वो लोकेशन पापा ने ही दिया है अमित पटाना को शूट करने के लिए। और अधिकतर जितने भी अच्छे अच्छे लोकेशन आप देखते हैं इन बड़े बड़े ब्रांड्स का, जो यूट्यूब के अभी ब्रांड्स हैं जो आप सुने पापा जिनके नाम आपको बताया है, उस लगभग उस सारे लोकेशन पापा ही शेयर करते हैं। और भी काफ़ी सारे फिल्मों के लिए, सीरियल टीवी सीरियल के लिए और बड़े बड़े ऐड के लिए मैं लोकेशन देता रहता हूँ। कितनी अच्छी बात है, ऐड के लिए। मतलब कि वो कहते हैं ना बैक कैमरा के पीछे जो लोग काम करते हैं वो फ्रंट पे नहीं आते हैं, और जो फ्रंट पे होते हैं वही हीरो माने जाते हैं। तो वो लोकेशन सारे पापा ही देते हैं अच्छे अच्छे आइए वह तो उनमें पापा का ही हाथ है लगभग देते हैं। और ये भी एक बेडरूम है, आपको दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए वाह क्या अट्रैक्टिव बेडरूम है, बड़ा शॉर्ट है। देखिए ये सारे बेड्स देख रहे हैं आप, ये बेड बिल्कुल एंटिक है, ये ओल्ड पहले के ज़माने का आपको फील आएगा, टाइम का जो पहले हम लोग एंजॉय कर, हमारा घर जो है जैसा होता था, राजा लोग का घर होता था, तो उस टाइप से आपको मज़ा आएगा। ये लुक देख के, ये देख रहे हैं बेड, ये लकड़ी का जो जो पिलर है, इस टाइप का बेड आपको कभी मिलेगा भी नहीं। ये मतलब कि राजा के टाइम में जब ये सारी चीज़ें रहते थे तो उसी के थीम पे क्रिएट करवाया है, बनवाया गया है, सारे ओरिजिनल जो वुड होते हैं उससे बनवाया गया है सारे यहाँ पर। मतलब यहाँ पे आपको दो टच मिलेगा, एक तो आपको लग्जरी जो अभी के टाइम में चल रहा है वो, और दूसरा आपको जो राजा के टाइम में जो थीम चलता था उस टाइप का आपको थीम मिलेगा। देख रहे हैं आप टीवी भी लगा हुआ है, ये देखिए पेंटिंग्स, पेंटिंग्स कितनी अच्छी पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग्स कुछ बताती हैं अपने बारे में, कहानी क्या, पेंटिंग जो लेडी बैठी हुई है, बड़ा ग्रेट व्यू। मतलब कि मैं तो कहता हूँ कि अगर आप लोग आते हैं तो मल्हार रिजॉर्ट में रहिए, मज़ा आएगा। शूटिंग के पर्पज़ से भी ऐसे रहने जाते हैं तो भी रह सकते हैं आप गेस्ट के रूप में। और ये देखिए वो वाला कमरा भी अच्छा, उधर भी एक कमरा है, चलिए वहाँ भी रिवील करते हैं और क्या क्या है। वाह इसमें वाह एंटिक, और एंटिक, बहुत एंटिक है। ये देखिए आपको ये कहीं नहीं मिलेगा देखने को, अभी आप कहीं किसी भी होटल में चले जाइए, कितने भी लग्जरी होटल में रहने के लिए चले जाइए, कितना भी पैसा पे कर दीजिए, लेकिन आपको जो ये फील देगा, ये जो फील यहाँ पे एंटिक फील है, ये देख रहे हैं आपको वॉल पे ये बेड, ऐसे बेड आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें रहते हैं तो एक सुकून का, एक आनंद का मज़ा देगा आपको, ये अलग ही फील देगा आपको, आपको लगेगा कि मैं पहले के टाइम में ही रॉयल लोग के साथ में रह रहा हूँ। पेंटिंग्स लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, फोटोज़ फ्रेम्स हैं, बिल्कुल वैसे पूरा टच वैसे ही आपको देगा जैसे आप टीवीज़ में फिल्म्स में देखते हैं कि राजा लोग का, जैसे कि अभी फिल्म आया था राजा के ऊपर जो रणवीर, इसमें शाहिद कपूर ने काम किया था, उस टाइप का आपको लगता होगा कि काश मैं वहाँ पर जा सकूँ, लेकिन ये वीडियो देखिए आपको वही फील आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे लोकेशंस भी हैं। मतलब आपको ये देखिए, ये एक और ये मूर्ति देखिए, वाह तो ग्रेट, ये गौतम बुद्ध भगवान है ना, गौतम, ये गौतम बुद्ध भगवान के टाइप के ही लग रहे हैं। और कितना एंटिक है, कितना एंटिक लोकेशन है, और ये मूर्ति कितनी एंटिक है। और आपको दिखाता हूँ और ही लोकेशन से, बहुत मज़ा आ रहा है इन्जॉय करके मोमेंट। और क्या क्या चीज़ें हैं पापा, ऊपर में भी है, ऊपर में यहाँ पे लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं वो फील लेने के लिए, और शूट शूट के पर्पज़ से यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, लोग रहते भी तो आके यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन शूट के पर्पज़ से दिस इज़ अ वेरी बेस्ट लोकेशन। और मैंने जैसा आपको बताया था इस वीडियो के एंड में, आप लोग स्किप मत करिएगा वीडियो को, आप बने रहिएगा, आपको इस वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा मैं कि इसके अंदर में रिवील जो ट्विस्ट है वो रिवील आपको ट्विस्ट करके बताऊंगा मैं वो कौन सा ट्विस्ट है। वो ये देखिए, जी ये देख सकते हैं आप, क्या ग्रेट व्यू है गाइस, ट्रस्ट मी यू शुड विजिट दिस प्लेस, वेरी ऑसम, मज़ा आ रहा है। देखिए देखिए यहाँ पे आप सोते हैं तो क्या फील आएगा आपको, ये देख सकते हैं आप, बहुत मस्त है, आपको वही फील सारी पुराने ज़माने की फील आएंगी आपको। ये देखिए यहाँ पे मिरर, यहाँ तक कि ये जो कर्टन्स है कर्टन भी उसी टाइप का है, और मिरर मिरर भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। देखिए ये मिरर भी उसी ओल्ड टच पे ही बना हुआ है, उसी क्रिएटिव आइडिया पे बना हुआ है, क्रिएटिव थीम पे। और अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे घर में आप जो सीलिंग होता है, सीलिंग जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वैसा सीलिंग आपने देखा होगा, वहाँ पे कंक्रीट का होता है, लेकिन इस सीलिंग में आपको एक चीज़ जो पहले बीम बोलते थे, पहले के जितने भी हवेली होते थे या फिर पुराने घर होते थे उसमें ये बीम यूज़ होता था ताकि मजबूती दे सीलिंग को, तो वो देखिए इस टाइप का, इस टाइप का जो सीलिंग है, बहुत ही ग्रेट प्लेस है ये, यू शुड विजिट, आपको यहाँ पे आना चाहिए इस लोकेशन पे एक बार, बहुत मस्त है ये, आप आइएगा।
मल्हार नाम है रिजॉर्ट का, शूट के पर्पज़ से या फिर घूमने के पर्पज़ से फैमिली के साथ में अगर आना है तो वो भी आप आ सकते हैं। ये देखिए सारे चीज़ मैंने कहा था ए टू जेड एंटिक पीसेज हैं यहाँ पर, कोई भी अभी के टाइम के चीज़ यूज़ नहीं किए गए हैं, वही चीज़ यूज़ किए गए हैं जो पहले के टाइम में लोग यूज़ करते थे, उसी टाइप के टच है। देखिए आप चेयर भी देख सकते हैं, बिल्कुल वुडन का एंटिक है ये, और ये हैंगर्स, ये हैंगर मतलब क्लोथ्स अब हैंग करने के लिए उस टाइप से बने हुए। पेंटिंग्स द ग्रेट पेंटिंग्स आर देयर, पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये जो है पेंटिंग भी यूनिक है ये, और पीछे का व्यू देखिए, ये देखिए वहाँ पर अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव चीज़ है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए पेंटिंग्स यहाँ पर, ऑल पेंटिंग्स आर एंटिक, आपको एंटिक फील कराएगा आपको। ये भी एक बेडरूम, बेडरूम है ना ये भी एक बेडरूम है, ये देखिए चेयर्स वैसे ही हैं। कोई भी चीज़ आपको नया नहीं मिलेगा इस टाइम का, हर चीज़ आपको एंटिक मिलेगा। ये देखिए वार्डरोब भी है रूम में, आपको फील आएगा यहाँ पर रहते हैं तो। आप यहाँ से आप नीचे देखना है तो नज़ारा देखिए, जैसे कि मैंने कहा था नीचे शूट हो रहा है तो नीचे स्टिल फोटोशूट हो रहा है जो हट बना हुआ है इसके अंदर में। यहाँ से आप व्यू ले सकते हैं, आप यहाँ से शीशा को हटाएंगे तो नीचे का आपको व्यू पूरा मिलेगा। और चीज़ें आपको दिखाते हैं, और एक और बेडरूम है ये देखिए, वो तो ऑसम, ये पेंटिंग ये वॉलवेट का पेंटिंग है ये, पता नहीं सर मुझे मालूम अच्छा। और इधर ये अंदर में वॉशरूम है, और ये देखिए ये जो पेंटिंग है मेरे ख्याल से ये वॉलवे टाइप ही लग रहा है ना, कुछ मैट टाइप का, मैट टाइप का ये आपने मेरे ख्याल से कम ही आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का जो पेंटिंग है, ये मैट टाइप का पेंटिंग है। उसके बाद ये देखिए व्यू, अंदर का व्यू जो है, ये चेयर्स मुझे याद है जब हम लोग जब अपने गांव घर में रहते थे तो इस टाइप का बीम जो है ये बीच में वुडन का ये बीम हुआ करता था। अभी वो चीज़ देख के और मज़ा आने लगा, फिर से वो चीज़ें याद आने लगी। ये देखिए ये हाँ ये चेयर बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, क्योंकि ये चेयर देख के मुझे वो याद आ रहा है पहले जो खटिया उटिया होता था हमारे गाँव में, तो खटिया ऐसे बुनाई किया जाता था, तो वैसे ही ये जो होता है ना ये प्लास्टिक का, इससे बुनाई करके इसके बैठते हैं, तो ये भी एंटिक है, ये आपको अभी कहीं नहीं मिलेगा ये वुडन के चेयर में, ये प्लास्टिक का जो बुनाई करके जो बनता है, ये भी बहुत एंटिक पीस है ये। और ये सारे कुछ लोकेशंस हैं, और अभी मैं थोड़ी देर में ही आपको रिवील करने वाला हूँ सारे लोकेशन के बारे में। ये लोकेशन जैसे कि मैंने बताया कि मैं राजस्थान में आया हूँ, लेकिन मैंने कहा था आपको एक ट्विस्ट बताऊँगा मैं वीडियो के एंड में, तो स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा ये वीडियो। और तो कुछ नीचे चलते हैं और फिर नीचे डिस्कस करते हैं आपसे। अगर आप लोगों को और भी लोकेशंस ऐसे बेस्ट बेस्ट लोकेशंस देखने हैं अगर, तो इस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अगर चाहते हैं कि मैं भी आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस कहाँ कहाँ लोकेशन उन्होंने शूट किया है कौन कौन से वीडियोस में, अगर आप चाहते हैं मैं आपको शोकेस करूं, वो आपको दिखाऊं, रिव्यू करूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे लोकेशन जो है हर मोस्टली वीडियोस में आपको अलग अलग जो लोकेशन देखते हैं आप सोचते होंगे ये लोकेशन कहाँ से आता होगा, आपके मन में ये ख्याल चलता होगा, तो वो सारे लोकेशन जो जैसे बताया मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम जैसे पापा ने आपको बताया, तो सारे वीडियोस के जो लोकेशन होते हैं ज़्यादातर पापा देते हैं, तो दैट इज़ सो ऑसम लोकेशंस पेंटिंग्स। तो यही था आज का वीडियो, अब मैं आप लोगों को व्लॉग का एंड करने जा रहा हूँ, और अब मैं रिवील कर रहा हूँ आपसे कि ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि मैं राजस्थान में आया हूँ शूटिंग लोकेशन के लिए, तो आप लोगों को लग रहा होगा सही में मैं राजस्थान में आया हूँ, तो हाँ आप लोग अपने तरीके से सोच रहे होंगे हाँ ये सही शायद मैं राजस्थान में आया हूँ शूट करने के लिए, लेकिन द बिग मोमेंट अभी मैं रिवील कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, सॉरी रिवील कर रहा हूँ, ये जो लोकेशन आपने देखा है तब से आप सोच रहे होंगे कहाँ है राजस्थान में, तो ये लोकेशन गाइस ट्रस्ट में आप विश्वास नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, ये जो लोकेशन है ये लोकेशन है नोएडा में, यानी कि मैं अभी नोएडा में हूँ
और यहाँ पे नोएडा में ये लोकेशन है, ये मल्हार जो रिजॉर्ट है, बिल्डिंग है, यहाँ पे ही है ये, और यहीं पे राजस्थान की थीम के ऊपर में ये क्रिएट किया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे एकदम से आपको भ्रम हो रहा होगा कि ये बात शायद सही में राजस्थान में गया हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। जो यहाँ के जो ऑनर हैं उन्होंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मतलब शौक के तरीके से बनाया है इसे राजस्थान के थीम में, क्योंकि बहुत सारे लोग राजस्थान नहीं जा पाते हैं या फिर जा भी पाते हैं तो बहुत दूर है कहीं कहीं से, लेकिन वही उसी थीम पे वही फील आने के लिए ये लोकेशन यहाँ पे जो ये क्रिएट किया गया है। ट्रस्ट मी दिस इज़ अ ऑसम प्लेस। अगर आपको आना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किधर है और कहाँ है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। जैसे जैसे जो रियलिस्टिक जो राजस्थान में जो रिजॉर्ट है बड़े बड़े जो राजा लोग का था उसको री इन्वेंट किया है, उसी सेम तरीके से इस लोकेशन को क्रिएट किया गया है, वही सेम सेम डिटेलिंग के साथ में, वही सेम चीज़ों के साथ में जो आपको फील वहाँ मिलेगा राजस्थान में, सेम इस लोकेशन पे आपको वो फील मिलेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे अगर आते हैं आप। तो यही था आज का व्लॉग। अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो गाइज, चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे किसी नेक्स्ट झकास व्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सही में ये झकास व्लॉग है, बहुत मज़ा आया देख के, तो चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।